जिन लोगों के ऑडियो और वीडियो हैं जो जेनोसाइड की बात करते हैं, कत्ले आम की बात करते हैं, यहाँ से लेके देहरादून तक सबका कत्ले आम करेंगे, जंतर मंतर पे लाउड स्पीकर लगा के जो जो हेट स्पीच दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जिनकी शिकायतें पहुँच गई, सुप्रीम कोर्ट ने जिनके खिलाफ पुलिस को एक्शन लेने का ऑर्डर दे दिया, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक, बस इतना कह दो, ना अल्लाह का नाम लो ना रसूल का लो। अगर आपने अल्लाह का नाम ले लिया यानी नारे तकबीर अल्लाह अकबर लगा दिया तो कानून, या रसूल अल्लाह कह दिया तो कानून, जाओ जेल में जाओ। और जो अब इसमें कोई आप देख रहे हैं कोई है, हेट स्पीच दे दिया जी आप भड़काओ, नारा दे रहे हैं आप भड़काओ, जो भड़का रहे हैं वो नज़र नहीं आ रहे। इंशाअल्लाह जीत होगी, हक की होगी, हक की जीत हो। मुफ्ती सलमान अजहरी को पकड़ लिया, जूनागढ़ की अदालत में लेके गए, उनको वहाँ से ज़मानत मिल गई। जो कच्छ है इलाका गुजरात का, वहाँ की पुलिस आ गई कि जी हमारे यहाँ भी FIR हुई हुई है, फिर उनको 3 दिन के लिए पकड़ लिया। हाँ कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ मुफ्ती सलमान अजहरी की हिमायत नहीं कर रहा, मैं हर मुसलमान की हिमायत कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कोई भी मुसलमान हमारे देश के कानून के ख़िलाफ़ नहीं करता, मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको। उत्तराखंड में जो कानून बनाया गया यूनिफॉर्म सिविल कोड, यकसा कानून, आप गौर कीजिएगा, यकसा एक जैसा कानून, एक जैसा कहाँ हुआ? जो कबाइली इलाके हैं ट्राइब एरियाज, उनको निकाल दिया इस कानून से, उन पे ये कानून लागू नहीं होगा, तो बराबर कहाँ हुआ भाई? 140 करोड़ आवाम में से आपने 10, 20, 40 करोड़ को निकाल दिया तो बराबरी कहाँ हुई? जब आपने निकाल दिया तो मुसलमानों को भी उसमें से निकाल दो। जो इद्दत का मसला है हमारा, इद्दत, तलाक के बाद जो इद्दत होती है, वफात के बाद जो इद्दत होती है, इद्दत ही ख़त्म कर रहे हैं वो। कुरान का हुक्म, शरीयत का हुक्म, कुरान का हुक्म है ये। और हमारे संविधान ने राइट दिए हैं, जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, डिग्निटी, ये हमारा संविधान कह रहा है।